जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास है और आज मेरे साथ जो स्क्रीन के दूसरे हिस्से में है, आपका परिचय मैं करा दूं। आप हैं भाई नितिन त्रिपाठी जी, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हिंदुस्तान के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर विदेश चले गए, यूएस में रहे, कई साल रहे। डिटेल में अपने बारे में नितिन भाई स्वयं बताएंगे। फिर कुछ साल अमेरिका में काम करने के बाद इनको लगा कि देश वापस चलना चाहिए, फिर ये भारत लौटे। इन्होंने भारत में ही काम करना शुरू किया, अपनी एक कंपनी खड़ी की। अपने पेशे यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय है, युवाओं के साथ काम करते हैं, एक समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पूरा फुल टाइम काम करते हैं, साथ में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं और देश के हजारों युवकों को मार्गदर्शन करते हैं। नितिन भाई स्वागत है आपका चैनल पे। जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। तो नितिन भाई, मसला यह है कि कल जो संसद में हमला हुआ ना, तो उसमें एक श्रीमान जी जो है वो 2016 से कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की है, विवेकानंद यूनिवर्सिटी है कोई मैसूर में वहां से, और फिर वो अपने आप को बेरोजगार बताते हैं। अब मैं आपको सोशल मीडिया पे पिछले दो तीन चार साल से तो फॉलो कर ही रहा हूं और आपके मैंने सैकड़ों लेख लिखे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि नितिन भाई सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पे बहुत सक्रिय हैं और बहुत ही विचार उत्तेजक, बहुत ही मतलब राष्ट्रवाद से ओतप्रोत, और बड़े इनके जो लेख होते हैं वो बड़े बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं युवाओं का। तो नितिन भाई, मैंने आपका एक लेख पढ़ा था कि कैसी भी गई गुजरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से यदि आपके पास इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री है तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा कैंपस प्लेसमेंट में पैकेज न मिले, पर आप इंडस्ट्री में 10-12-15 हजार के पैकेज पे तनख्वाह पे स्टाइपेंड पे तो घुस ही जाते हैं, घुस सकते हैं, और आपको बेशक कुछ ना आता हो पर आप अगर फील्ड में काम करना शुरू करें तो और मेहनत से काम सीखें तो आप 5 साल के अंदर बहुत अच्छी एक लेवल को अचीव कर लेते हैं। मैंने ऐसा आपके बहुत से लेखों में पढ़ा है जी। मैं तो, एक बात यहाँ मैं यहाँ पर इस जो ये जो हमारा चल रहा है सेशन, इस सेशन में मैं पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूँ। मैंने जानबूझकर कल जो हुआ उसके बारे में कोई समीक्षा नहीं पढ़ी, क्योंकि यहाँ जो मैं अपने विचार रखूंगा ये मैं एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए बिजनेसमैन रखूंगा। अजीत भाई, मैं आपको बता दूं, 1996 में जब मैंने बीटेक किया था उस जमाने में तो खैर इंजीनियरिंग की नौकरियां इतनी ज्यादा नहीं थी भारत में। उस समय में कैंपस प्लेसमेंट से मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई थी, सरकारी नौकरी की इनिशियल लेवल पर। उसमें IIT कानपुर में मुझे रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी मिली, मैंने वहां पर 2 महीने नौकरी किया और फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरी प्रतिभाओं का पर्याप्त, यहाँ पर मेरी प्रतिभा का पर्याप्त जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो सकता, मैं इससे बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर सकता। तो मैंने उस जमाने में 1996 में मैंने IIT कानपुर की नौकरी छोड़ दिया 2 महीने में, और उसके बाद मैं आ गया दिल्ली। उस जमाने में सॉफ्टवेयर जैसी कोई इंडस्ट्री होती नहीं थी और दिल्ली में आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री हो और आपके पास ITI की डिग्री हो सब बराबर होती थी। ये मैं 96 की बात बता रहा हूँ, 1996। तब से लेके अब तक में परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। मैं पुराना उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पुराने समय से बता रहा हूँ। मैं 1996 में दिल्ली आया, मैं दिल्ली में किसी को नहीं जानता था। आप अजीत जी यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली में मैं जो है लगभग सप्ताह भर तक रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुका हूँ, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता था और मुझे इस बात की कोई शर्म भी नहीं है कि घर में कोई हमारे बहुत जो है हम इकोनॉमिकली बहुत जो है ना डेवलप फैमिली के नहीं थे। हम दिल्ली में रुके, एक सप्ताह मैं दिल्ली में रेलवे प्लेटफॉर्म पे रुका, फिर वहां पे हमने देखा कि दिल्ली में सभी लोग हमेशा, जो हम लोग छोटे शहरों से आए हैं ना तो हमें पता होता है कि एक मेडिकल कॉलेज होता है जिसके अगल बगल में सभी को रहने की जगह मिल जाती है, तो पता किया तो दिल्ली में मेडिकल होता था जो कि एम्स है। हम एम्स में गए, वहां पर हमको किराए वाला कमरा मिल गया और उसके बाद हमने नौकरी ढूंढनी चालू की। उस जमाने में नौकरियां आसानी से नहीं मिलती थी, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार आता था 36 पन्ने का
जिसके क्लासिफाइड में छोटी छोटी नौकरियां होती थी और उन नौकरियों में कोई ऐसा नहीं होता था कि आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री हो या ना हो। छोटे छोटे एक एक कमरों की जो है ना कंपनियां होती थी, उन कंपनियों में मैंने लगभग सप्ताह भर में कुछ नहीं तो कम से कम आई विल से लाइक एक दिन में 10 इंटरव्यू तो कम से कम हम देते ही थे। जहां दिखाई देता था वहां पहुंच जाते, इंटरव्यू देते, सिलेक्शन नहीं होता। अंततः एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ और ये वो जमाना था जब भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ, IIT कानपुर में, मुझे जो है 6,000 रुपए की नौकरी, 6,000 रुपया मेरी सैलरी थी। यहाँ पे जहां मेरा सिलेक्शन हुआ वो मालिक वाली कंपनी थी जिसमें केवल दो लोग काम करते थे, एक मैं, एक मेरा दोस्त और मालिक। मुझे तनख्वाह ऑफर की गई थी 3,500 रुपया और इन शर्तों के साथ में ऑफर की गई थी कि हमें मालूम था कि ये 3,500 रुपया मुझे महीने में कभी नहीं मिलने। और उस जमाने में मैंने और मेरे दोस्त ने, हम दोनों को ये मालूम था कि अगर हम मेहनत से काम करेंगे, सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। हम दोनों ने उस छोटी सी कंपनी में काम करना आरंभ किया, मेहनत से काम किया, मेहनत से काम किया बोले तो दिल लगा के, लाइक हम तो रात दिन वहीं पड़े रहते थे। हम लोग बैचलर्स थे, हमें मालूम था घर में जाके करना ही क्या है, घर जाएंगे उससे अच्छा है ऑफिस में रहो, कुछ नया सीख ही रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। वैसे मैं बता दूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था। मेरी जो डिग्री रही है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रही है, तो मेरे साथ में इसका भी डिसएडवांटेज था कि मेरी प्रोग्रामिंग की नौकरी थी और मेरी डिग्री उस फील्ड की नहीं थी। मैंने और मेरे दोस्त ने, हम लोगों ने 6 महीने तक बिल्कुल जो होता है ना 24 आवर वाली जॉब किया, रात रात भर काम करके सवेरे जो है ना वहीं ऑफिस में ही फ्रेश हो लेते। मालिक हमारा इतना दुष्ट था कि वो जो है ना वो तनख्वाह काट के 2,500 रुपया देता था, लेकिन मैं उसको बुरा नहीं मानता क्योंकि उसने हमको खूब सिखाया। और उसका नतीजा ये रहा कि 6 महीने के अंदर ही मुझे, उस समय में टाटा यूनिसिस लिमिटेड कंपनी होती थी जो अब TCS हो गई है, मुझे वहां पे नौकरी मिल गई। उस नौकरी में चूंकि मैंने खूब मेहनत की थी पहले नौकरी में 6 महीने में, तो मुझे इतना ज्यादा इतना अच्छे से आता था कि उस टाटा की कंपनी में भी मुझे अपने प्रोजेक्ट में 3 महीने के अंदर ही मैं लगभग टॉप लेवल पे आ गया। 120 लोगों का प्रोजेक्ट था, मैं लगभग टॉप लेवल पे आ गया। उसके पश्चात मुझे जो है ना उसी कंपनी ने अमेरिका भेज दिया, मैं अमेरिका में थोड़े समय तक वहां पे रहा। फिर मैंने अमेरिका में आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, वहां से मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद मैंने एक अमेरिकन कंपनी ज्वाइन कर ली। उस अमेरिकन कंपनी में काफी समय तक प्रोग्रामर हो, फिर उसके बाद में मैं वहां मैनेजर बना और मैंने उस कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट को संभाला। जो मेरा दूसरा मित्र था, जो हमने आपको पहले बताया ना कि हम दो लोगों ने वो कंपनी ज्वाइन की थी, 24 घंटे हम लोग काम करते थे, जो मेरा वो दूसरा वाला मित्र था उसने, वो मुझसे भी ज्यादा मेहनत करता था। उसका हमारी जो ये टाटा यूनिसिस थी उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो उसके बाद भी मेहनत करता रहा। और इसके पश्चात में उसका एक अमेरिकन कंपनी में डायरेक्ट हो गया। और आप समझिए कि वो बंदा इतना टैलेंटेड था, उसने इतनी मेहनत कर रखी थी, इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग आती थी, 1 साल का धक्का खाने के बाद में वो अमेरिका गया। अमेरिका में उसकी कंपनी छोटी थी, उस कंपनी में उसने 2-3 साल बहुत अच्छे से काम किया। फिर उसकी कंपनी को एक बड़ी कंपनी ने खरीदा, बड़ी कंपनी ने खरीदा और सब लोगों को निकाल दिया। अमेरिका में बहुत कॉमन है कि कंपनियां जब टिपिकली छोटी कंपनियों को खरीदती हैं तो उनका प्रोडक्ट ले लेती हैं, फिर स्टाफ को कट करती हैं, कट करने में जो मीनिंगलेस स्टाफ होता है वो कट जाता है। लेकिन मेरे मित्र को कंटिन्यू रखा, फिर उस कंपनी को बाद में IBM ने खरीदा, IBM ने भी मेरे मित्र को कंटिन्यू रखा। मेरे मित्र का सबसे टॉप कैटेगरी में ग्रीन कार्ड हुआ, फिर इवेंचुअली उसने अमेरिका में अपनी कंपनी आरंभ की। अभी आज की तारीख में अमेरिका में जो उसकी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी फील्ड है कि लोग यहाँ पर ट्रॉल करने लगते हैं, तो वो जो मेरा मित्र है अमेरिका में, उसकी अमेरिका में बड़ी कंपनी है। अमेरिका में बड़ी कंपनी का अर्थ है कि अमेरिका में 100-150 एम्प्लॉई अगर परमानेंट हो तो आप समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बड़ी कंपनी है। तो हम लोगों ने 1996, जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट नहीं होता था, कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, हम लोगों ने उस जमाने में धक्के खाए, उस जमाने में कार्य किया और जो भी हो ठीक ठीक अचीव कर लिया। आज की तारीख में तो अजीत भाई हालत ये है कि अगर मैं यहाँ लखनऊ शहर में जॉब रिक्वायरमेंट निकाल दूं कि मुझे पायथन का प्रोग्रामर चाहिए और मैं उसकी तनख्वाह 40,000 रुपया देना चाहता हूं, मैं आपको चैलेंज के साथ मिला बता रहा हूं कि मुझे यहाँ पे लखनऊ में प्रोग्रामर्स नहीं मिलते। अभी आज तो पोजीशन ये चल रही है कि कोई भी व्यक्ति ABC डिग्री उसके पास में हो या ना हो, और मैं आपको इस सच बात बता रहा हूं, जो जिस पोस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उस पोस्ट को पढ़कर, ऐसे ही सोशल मीडिया में आप जानते हैं नेगेटिव कमेंट काफी आते हैं, तो एक बंदा था, वो बंदा वहां दिल्ली में तैयारी कर रहा था IAS की कई सालों से, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर चूंकि उसके पास में डिग्री थी और सिलेक्शन उसका हो नहीं पाया था और वो थोड़ा सा परेशान भी चल रहा था, तो उसने मुझको उसके कमेंट में मुझे लिखा कि नितिन भाई ये ऐसा होता नहीं है और आप जो है ये झूठ बोल रहे हैं। उसी कमेंट के रिप्लाई में एक दूसरा मित्र हमारे सोशल मीडिया का, उसने रिप्लाई किया कि अपना बायोडेटा मुझे भेजो। इसने बायोडेटा भेजा, उस मित्र ने, उस मित्र की नोएडा में कंपनी है,
उस मित्र ने इस आईएएस की तैयारी करने वाले मित्र को, जिसके पास में केवल डिग्री थी, हाँ मेहनत जरूर करता था भाई, डिग्री थी, उसने आईएएस तैयारी की थी, मेहनती था, तो मेरे जो ये दूसरा मित्र है जिसकी सॉफ्टवेयर कंपनी नोएडा में है, उसने फेसबुक से इस बंदे को पिक किया, इसको बोला कि देखो ऐसा है कि 3 महीना तुम्हें हमारे यहाँ पे काम करना है, इन 3 महीने में अगर तुमने अपने को प्रूव कर लिया तो तुमको मैं सैलरी में रखूंगा, नहीं तो तुम ये मान के चलो कि 3 महीना भूल चूक लेनी देनी। इस बंदे ने वहां 3 महीने काम किया, अभी ये मैं लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, यही सितंबर अक्टूबर की, अच्छा मुझे कहानी नहीं मालूम थी, मैं सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर जब दिल्ली गया तब तक इस पोस्ट को मेरे ख्याल से 1 to 1.5 ईयर हो चुके थे। मैं वहां पर गया, ये वाला जो बंदा है हमारे मित्र की कंपनी में अब तक परमानेंट हो चुका था, और इसकी जो पैकेज है, इसका पैकेज साल का 8 लाख रुपया पैकेज था, इन हैंड सैलरी वो 50-60 हजार रुपया महीने की ले जा रहा है। ओके, तो यू जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कि जो है ना, केवल इसने, ये मैं आज की तारीख का बता रहा हूँ कि यू नो, जो ये हमारा दूसरा मित्र है जिसकी नोएडा में कंपनी है, नोएडा में आज की तारीख में 100 लोगों की कंपनी है, इसने एक, इसको भी बंदे में नहीं मिलना है, नोएडा में अगर आपकी कंपनी है, अगर आप चाहो कि आपको स्किल्ड प्रोग्रामर मिल जाए, आसानी से नहीं मिलते हैं, मिलते हैं सैलरी बहुत ज्यादा होती है। इस बंदे ने एक नए बंदे को उठाया, 3 महीना जो है ना ट्रेनिंग दिया, 3 महीना ट्रेनिंग देने के बाद में ये बंदा 1.5 साल में लगभग 40-50 हजार रुपया महीने की नौकरी कर रहा है। इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतना स्कोप है, लोग मिल नहीं रहे हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आता वो लोग कैसे होते हैं जो आज की तारीख में जिनके पास में डिग्री है और बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है जाके, ये तो पूरा मजाक है। मतलब आप समझिए कि ऐसे लोगों को मैं, अगर मुझे पढ़ता हूं, मुझे मिल जाए तो मैं उनकी पिटाई कर दूं। नितिन भाई, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, पर आखिर मुझे एक बात बताइए, ये जो श्रीमान जी जो कल गैस का कैनिस्टर लेके संसद भवन में कूद गए और कहते कि मैं 2017 से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अब तक बेरोजगार हूं और युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही नहीं चलेगी, ये किस टाइप के लोग होते हैं जो कि 17 से लेकर आज 23 मतलब 6 साल बाद भी बेरोजगार है? अगर तो ये व्हाट एल्स, आखिर कमी कहां रह गई? उस लड़के ने कोशिश नहीं की, क्या हुआ क्या अंत में? दद्दा, इसमें कमी केवल और केवल एक ही है, जाके कोशिश नहीं की, केवल और केवल एक कमी है। ऐसा हो ही नहीं सकता आज की तारीख में। मैं आपको कुछ एक, अगर आप चाहें, अगर आप समय दें तो मैं कुछ एक आपको जो है ना डेटा बता सकता हूं। ओके, ठीक है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप ये मानिए कि अगर किसी की नौकरी, मैं मान सकता हूं कि चलिए नौकरी नहीं लगी, ओके, नौकरी मिलना ना मिलना ये एक बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कुछ कमियां रही हो जिस वजह से नौकरी ना मिली हो। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैंने जो है ना, मैंने बसों में धक्के खा के नौकरी पाई, मे बी सब लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अच्छे, शायद मेरे साथ भी ऐसा होता कि अगर जो है ना मेरी फैमिली का सपोर्ट होता, मेरे पास में कोई बैकअप प्लान होता, मेरे पास में कुछ ऐसा होता कि मुझे कहीं से पेंशन मिलने वाली है, तो शायद मैं उतने धक्के ना खाता। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी होता है ना आज की तारीख में, है ये कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, थोड़ी भी स्किल्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट पर खूब सारी वेबसाइट हैं जहां पर उन वेबसाइट पे आपको जो है ना फ्रीलांसिंग की सुविधाएं देनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, हाथ के हाथ में मैं ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको देख के बताता हूँ, और यह दद्दा मैं अपने अनुभव, आपको प्राइवेट अनुभव बता रहा हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मुझे लोगो बनवाना होता है, ओके, तो अगेन लोगो बनवाना होता है तो ऐसे तो बहुत छोटी चीज है कि कोई एक घंटा लगाए और लोगो बन जाएगा, पर ऑब्वियसली आपको भी मालूम है टाइम इज मनी और इतना समय होता नहीं है जाके कि हम किसी छोटी चीज में अपना समय लगाएं। या कई बार ऐसा होता है कि ग्राफिक डिजाइनर मैं परमानेंट नहीं रखता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं वहां से लोगो बनवा लेता हूँ। अब आप देखिए, ये वेबसाइट है एक फाइवर, FIVER, ये एक वेबसाइट है, और ये मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, आपके पास में कोई विशेष स्किल ना हो, आपने अगर 4 साल के बीटेक में टाइम पास किया हो, आप जिसको वो बीटेक बोलते हैं, अगर आपने वो बीटेक की डिग्री भी ली हो, आपने 4 साल कुछ ना किया हो, प्योर अय्याशी की हो, नकल से बीटेक की डिग्री ले लिया हो, लेकिन केवल और केवल डिग्री हो, डिग्री लेने के बाद में आपको इतना तो आ ही जाता है कि कंप्यूटर कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, उसके बाद में आप केवल और केवल यूडेमी से एक सिंपल कोर्स कर लीजिए लोगो बनाने का, ठीक है। और अब मैं आपको लोगो डिजाइन फाइवर में, मैं लोगो बनवाता हूँ फाइवर साइट पे, मैं इस फाइवर साइट पे गया हूँ, यहाँ पर लाइन से लोगों ने अपनी जो है ना सेवाएं दे रखी हैं लोगो बनवाने की। वो लोग जो बिल्कुल नए हैं, मिनिमम जो रेट ऑफर है वो 875, 3936, 3499, 1750, 2187, 3499, 3936, ये आप भी जानते हो लोगो बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
लोगो बनवाने के लोग ऑन एवरेज 2,500 से 3,000 रुपया इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जो है ना चार्ज कर रहे हैं, और जो ये वेबसाइट है इन वेबसाइट पे इंडियंस अपनी जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ पे ज्यादातर लोग पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, क्योंकि आप जानते हो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां पे कारपोरेट सेक्टर नहीं है, वहां का जो माहौल है वो इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है, तो इसीलिए वहां पे कंपनियां नहीं है, तो वहां के लोग ये फ्रीलांसिंग वाला काम ज्यादा करते हैं। भारत में लोगों के पास में इतनी नौकरियां हैं, मैं बता रहा हूं कि मुझे 40-50 हज़ार रुपए में लोग नहीं मिल रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर काम करने वाले जो है मिलते ही नहीं है। आप इन वेबसाइट पर जाइए, इन वेबसाइट पर पाकिस्तानी बांग्लादेशी भरे हुए हैं और 2,500-3,000 रुपए में लोगो बना रहे हैं। मतलब मैं अभी कॉम्प्लेक्स चीजों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट डिजाइन और ये सब तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है, सिंपल चीजें लोगो बनाना, करना केवल इतना है कि आप 2-3 महीने कहीं से यूडेमी का ही कोर्स करके 2-3 महीने थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, पोर्टफोलियो बना लीजिए, यहाँ पर जो है ना इन वेबसाइट पर जाके अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए, आपको 1-2 घंटे काम करने के 2,500-3,000 रुपए कहीं गए ही नहीं है। और इन परिस्थितियों में भी जहां पे कि पाकिस्तान वाला वो देश जो कि जो है ना जिसके नाम से ही लोगों के दिमाग में आता कि आतंकवादियों का देश है, उस देश के लोग अगर जो है ना इन वेबसाइट पे 2,500-3,000 रुपया प्रति घंटे 2 घंटे की नौकरी पा जाते हैं, फ्रीलांसिंग वाले काम कर लेते हैं, महीने का 1,00,000 रुपया बना रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई हिंदुस्तान जैसे देश में रहता हुआ क्यों नहीं बना पाता। अगर कोई आज की तारीख में यह बोला जाए कि जिसके पास में डिग्री हो, थोड़ी सी टेक्निकल स्किल हो, अगर वो बोलता है कि वो महीने में जो है 25-30-40 हज़ार रुपया नहीं बना पा रहा है, 50,000 रुपया नहीं बना पा रहा है 4-5 साल अनुभव के बाद में, तो उसके केवल 2 ही कारण हो सकते हैं, एक या तो वो कतई निकम्मा निठल्ला है, और या फिर उसका कोई स्पेसिफिक एजेंडा है देश को जूता टकराने का, बाकी इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। नितिन भाई, आपने बताया कि आपको अब जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी आपको एक सरकारी नौकरी मिल गई थी IIT कानपुर में, वो नौकरी छोड़कर एक वो सरकारी नौकरी थी जी। और हिंदुस्तान में तो सब सरकारी नौकरी सबसे प्राइज्ड पोजीशन है, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली। तो सरकारी नौकरी छोड़ के आप दिल्ली आ गए, दिल्ली में 1 हफ्ता रेलवे स्टेशन पे बिताया, फिर जो है एक प्राइवेट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ 2 एम्प्लॉय और 1 मालिक था, एक कमरे में चलती होगी शायद वो सो कॉल्ड कंपनी, एक कमरे वाली कंपनी है सल्टा विहार में। तो आपने IIT कानपुर जो कि इतना बड़ा ब्रांड भी तो है ना एक जी, क्यों भाई यूपी की मैट्रिमनी बाजार में दामाद अगर IIT कानपुर में इंजीनियर है तो सर मैट्रिमनी बाजार का 2,00,000 तो दहेज छोड़ दिया होगा आपने तो एक सरकारी नौकरी IIT कानपुर की छोड़ के आप दिल्ली एक कमरे में 2 एम्प्लॉयज वाली एक 3,500 रुपए की नौकरी जिसमें आपको पता था कि ये इतना दुष्ट है कि 2,500 भी नहीं देगा, तो सरकारी छोड़ के। अच्छा, आपका रिक्वेस्ट क्या था कि यहाँ वो मजा नहीं आएगा, सीखने को वो नहीं मिलेगा IIT कानपुर वाली नौकरी में जो आपके दिल में था, तो आप कानपुर छोड़ के दिल्ली आए, सरकारी छोड़ के प्राइवेट में आए, और आप बताते हैं कि दिन रात आप लोग काम करते थे। इधर वो नारायण मूर्ति साहब ने एक बयान दे दिया है कि युवाओं को कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में, आप बता रहे हैं आप लोग तो 20-20 घंटे करते थे, वहीं ऑफिस में ही सो जाते थे, वहीं फ्रेश हो लेते थे, वहीं नहा लेते थे, इसके बावजूद 2,500 मिलता था, है ना जी। पर आप ये कहते हैं कि अरे भैया पैसा बेशक नहीं मिल रहा था, सीखने को मिल रहा था ना जी, और सीखने की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली। तो मुझे 2 टिप्पणियां, तो ऐसी ये चॉइसेस बहुत सारे युवाओं के सामने कभी ना कभी जीवन में आएंगी कि 6,000 की नौकरी छोड़ के 2,500 पे ज्वाइन करना, सरकारी छोड़ के प्राइवेट में आना, IIT जैसा बहुत बड़ा ब्रांड छोड़ के सरिता विहार के एक कमरे में 2 एम्प्लॉयज वाली कंपनी में आना, तो इट वॉज अ वेरी बिग चॉइस, वेरी डिफिकल्ट चॉइस। उसके बाद नारायण मूर्ति ने तो सिर्फ 70 घंटे कहा है,
आपने जो मुझे बयान दिया उस हिसाब से तो आप तो 90 या बल्कि 100 घंटा हफ्ते में काम कर रहे थे जी, तो लोगों को तो 70 घंटे में बहुत आपत्ति है। वो तो नारायण मूर्ति ने वो 100 घंटे नहीं कहा, आप क्या कहेंगे बताइए। दादा मैं इन मामलों में एकदम क्लियर हूँ, जो भी मैं ये हमेशा मानता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वो अनुभव पा रहे हैं। फारगेट 2500 रुपया, अगर जो है ना, अगर वो जो अनुभव था वो आज की तारीख में, मेरा बेटा खुद इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी मेरा बेटा अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रहा है, उसकी भी अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी मैंने उसको ये समझा रखा है कि अगर ऐसा अनुभव मिल रहा हो तो ऐसे अनुभव में पैसा मिलना छोड़िए, अगर जेब से देना पड़े तो आप जेब से देके जो है ना ये अनुभव पाइए, क्योंकि पैसे का क्या होता है ना इंजीनियरिंग लाइन में हमेशा ऐसा होता है। अभी जैसे मैंने 96 में इंजीनियरिंग पास आउट किया था और अभी ये चल रहा है 2023, 27 ईयर्स हो गए। उस समय IIT कानपुर में मेरी तनख्वाह 6000 रुपए थी और मे भी अभी आज की तारीख में प्रोबेबली जो हमारे साथ के इंजीनियर रहे होंगे उनकी तनख्वाह मे भी 1-1.5 लाख रुपया होगी, शायद ऐसी होगी जाके, मतलब आई थिंक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाला जो रैंक है तो मे भी 1.5 लाख रुपए के आसपास ही आज की तारीख की उसकी तनख्वाह होगी। जो मेरे साथ के बाकी बंदे हैं, जो लोग प्राइवेट, मैं तो खैर बिजनेस में हूं लेकिन मैं तनख्वाह में भी बता दूं कि मेरे साथ के वो लोग जो नौकरियों में हैं, सरकारी नौकरियां नहीं प्राइवेट नौकरियों में हैं, मेहनत जिन्होंने की तो वो कमाने वाले आज की तारीख में 60 लाख से लेके इजीली 1.5 करोड़ तक के पैकेज में इंडिया में है। अमेरिका में तो मेरे जान पहचान वाले बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो $500,000 के पैकेज में है। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने जो है लाइक जिनके लिए अब पैसा जो है ना मायने ही नहीं रखता, एक लेवल के बाद जो है ना पैसा मायने नहीं रखता है, ये फैक्ट है। आपके पास जो है ना गाड़ी हो जाए और आपके पास में एक अच्छा सा घर हो जाए तो उसके बाद पैसा जो है ना बहुत मायने नहीं रखता है। तो आप ये देखिए कि उस जमाने में 2500 और 6000 रुपए में फर्क था 3500 रुपया, लेकिन अभी आज ऑब्वियसली मैं सरकारी नौकरी में रिश्वत की बात नहीं करूंगा, ओके वो अलग की कहानी है, लेकिन आज की तारीख में आपको भी पता है माहौल ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, अब रिश्वत की वो गुंजाइश भी नहीं रह गई है, दिन ब दिन भारत तरक्की कर रहा है तो ये जो रिश्वत वाला एंगल खत्म होता जाएगा। तो आप ये देखिए कि वो जो 2500, 3000, 3500 रुपए का गैप महीने का था, जो हमने 3500 रुपए महीने का सेक्रीफाइस लिया, आज की तारीख में वो बंदे जो हमारे साथ से ऐसी नौकरियों में आ गए जिन्होंने उस टाइम में स्विच ओवर किया या रिस्क लिया, तो वो आज की तारीख में महीने में इतनी एक्स्ट्रा सैलरी लाख में पा रहे हैं। 3500 रुपया उस टाइम में महीने का हमने जो है हिट लिया, तो आज की तारीख में हम महीने में 3.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ओके तो वही था कि इनिशियल लेवल पे अगर कोई मेहनत कर लेता है, और मेहनत करने में किसी को नहीं हिचकना चाहिए, मेहनत करने में कैसी शर्म, आप जो है आप कुछ करना चाहते हैं यंग एज में तो स्पेशली आपके पास में कोई जो है कुछ दिखाने को नहीं होता है, कोई आपको जो है ना टॉन्ट करने को नहीं होता है, आप 24 घंटे, अभी जो मेरा एक दूसरा मित्र था जिसका मैंने उदाहरण दिया, उसने एक्चुअली मुझसे ज्यादा मेहनत की, वो हमारे कॉलेज का कंप्यूटर साइंस का टॉपर था और हम लोगों ने भी उस जमाने में सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है, हमारे टाइम में कैंपस इंटरव्यू से हम दोनों की नौकरियां लगी थी और उस मित्र को इंडो गल्फ जगदीशपुर में नौकरी मिली थी, और उस जमाने में जो इंडो गल्फ था बहुत बड़ी कंपनी थी, आज भी बड़ी कंपनी है लेकिन उस जमाने में तो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी थी, और इंडो गल्फ में उसकी तनख्वाह 7500-7500 रुपया थी और वो फैक्ट्री वाला माहौल था और वहां पर जो फैक्ट्री के कॉटेज वगैरह होते हैं सब मिले हुए हैं। मैंने तो फिर भी 2 महीना नौकरी किया लेकिन मेरे मित्र ने एक भी दिन वहां नौकरी नहीं किया, क्यों? उस समय में जो फिजाएं होती है ना, हवा में माहौल था, नरसिम्हा राव जी उससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, खैर उस टाइम तक इंद्र कुमार गुजराल बन गए थे प्राइम मिनिस्टर जब मैंने बीटेक पास आउट किया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी ओपन की थी, माहौल में जो खुशबू थी ना वो थी कि जो है ना देश तरक्की करने वाला है, बहुत आगे जाएगा, बहुत जो है ना फास्ट फॉरवर्ड लाइफ होगी, तो हमारे मित्र को भी मालूम था कि जगदीशपुर में काम करते हुए कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पे जो है ना तरक्की की गुंजाइश बहुत कम है, तो उसने एक दिन वहां पर नौकरी नहीं किया और वो बंदा जो है ना वो सब छोड़ के यहाँ पे आ गया और उसने जो है दिल्ली में खूब मेहनत की, उसने मुझसे भी ज्यादा मेहनत की, मुझे कई बार फ्रस्ट्रेशन होती थी, हम दोनों लोगों में चैलेंज होता था आपस में, चैलेंज होता था इस बात का कि देखे कौन कितनी देर लगातार कंप्यूटर पे काम कर पाता है। तो हमारा ऐसा होता था कि मैं जो है ना मतलब बिना हुए रात दिन काम करते हुए यू नो सेकेंड डे में लंच वंच टाइम तक मेरी एनर्जी खत्म हो जाती थी, और ये जो मेरा मित्र था ये जो है ना ये 2-2 दिन तक लगातार काम करता था और एक बार जो है ना काम करते करते वहीं पे चक्कर खा के गिर गया था, तो को जो है डॉक्टर को मतलब यू नो डॉक्टर बुला के, एम्बुलेंस तो खैर उस जमाने में नहीं आती थी, मुझे अच्छे से नहीं याद है क्या बुलाया गया था, मे बी ऑटो वगैरह बुलाया गया होगा, ले जाके उसको जो है ना डिप लगाया गया और मालिक ने बोला कि अगर इसने दोबारा इतनी मेहनत से काम किया तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
तो आप देखिए कि जो है ना मालिक बोल रहा था कितनी मेहनत से काम मत करो, प्राय मालिक बोलते हैं ज्यादा काम करो, वहां मालिक बोल रहा था इतनी मेहनत से काम करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन उसका फायदा मिला दो साल के अंदर हम लोग, इवन आज की तारीख में बोलता हूँ कि मैं भी हूँ, वो उसी एक साल की मेहनत का परिणाम है जो मैं आज जो हूँ, और वो बंदा भी जो है ना जो मेरा मित्र है वो भी आज जहाँ पे है वो उसी एक दो साल की जो है ना मेहनत का परिणाम है। आज की तारीख में अमेरिका में उसकी जो है ना बढ़िया कंपनी है, बहुत शानदार मैंसन है उसके, जो बिल्कुल अमेरिकन रिच पीपल कहलाते हैं वैसा है, साल में एक बार ग्रांड गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करता है, दुनिया भर से सारे दोस्त उससे मिलने जाते हैं, जो लाइक हम लोग अपने दिमाग में जैसे रिच कल्पना करते हैं ये वो वाली लाइफ जी रहा है। तो अगेन पॉइंट वही है जाके कि आप इनिशियल लेवल पे आप हिट बैक लीजिए, मेहनत कीजिए। नारायणा मूर्ति ने जो कहा वो एकदम गलत कहा, मैं तो बोलता हूँ 70 घंटे नहीं, आपको जो है ना पहले नौकरी में सप्ताह में आपको तो घंटे गिनने ही नहीं चाहिए जाके, आप रोज 15-20 घंटे जो कर सकते हो वो करो, अपने लिए आप कर रहे हो जाके, आप मालिक के लिए थोड़ी कर रहे हो, मालिक तो जो है ना एनीवे, अभी आज मैं मालिक हूं, अगर मेरी कंपनी में कोई आता है वो 8 घंटे काम करे या 15 घंटे काम करे मेरे ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, मैं आज भी गाड़ी से चल रहा हूँ कल भी गाड़ी से चलता रहूंगा, जैसा मेरा माहौल है वैसा ही रहेगा, लेकिन वो बंदा अगर इतनी मेहनत करता है ना तो वो अपने लिए कर रहा है, उसका 2 साल बाद उसके स्टैंडर्ड में इतना फर्क आएगा कि वो देखने वाला होगा। मतलब देखिए ये मैं तो इसको शुरू से मानता हूँ कि इनिशियल ईयर्स में जब आपकी सीखने की उम्र है, जब आप इंडस्ट्री में सीख रहे हैं, तो उस वक्त आपको पैसा कितना मिल रहा है ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने भी उस बात को वो किया, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सीखने को कितना मिल रहा है। अगर एक जगह बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं पर आप सीख नहीं रहे हैं वहां बिल्कुल मत जाइए, और एक जगह बेशक कम पैसे मिल रहे हो या ना मिल रहे हो परंतु अगर सीखने को मिल रहा है तो वो जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आपने कहा कि इनिशियल इयर्स में घंटे मत गिनो, सिर्फ ये देखो कि तुम क्या सीख रहे हो। तो अच्छा अब मुझे एक फाइनल बता दीजिए कि हालांकि जितने भी हमारे देश में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, बहुत सारे खुले थे, कुछ अभी भी चल रहे हैं, ज्यादातर बंद हो गए। पंजाब में तो ये हालत है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की 80-85% से ज्यादा सीटें इस समय खाली जा रही हैं, पर कुछ बच्चे अभी भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, कुछ कॉलेजेस में तो अभी भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आज का क्या सिनेरियो है और आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? दादा देखिए एक बात तो ये है ना कि जो लोगों ने मतलब बीच में ऐसा होने लग गया कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो लोग जा रहे थे उन लोगों में समहाउ वो जो डेडिकेशन होना चाहिए, वो जो मेहनत की लगन की जो भावना होनी चाहिए वो नहीं है। अभी आप देखो मैं गूगल पे गया, मैंने यहाँ पर इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी पे जो है ना गूगल करता हूँ, सॉफ्टवेयर ENGINER इंजीनियर नितिन भाई का शायद फ्रेम फ्रीज हो गया है, वेट कर लेते हैं, नेटवर्क के इश्यूज आ जाते हैं जब हम लोग ये स्ट्रीमयार्ड पे जब भी वीडियोस बनाते हैं तो अक्सर नेटवर्क चला जाता है या लू थोड़ा कम हो जाता है। हम वेट कर रहे हैं कि नितिन भाई उनका हेलो नितिन भाई का हाँ उन्होंने शायद लीव कर दिया है, अब वो वापस ज्वाइन करेंगे। अगर आ जाता है नेटवर्क तो ठीक है, नहीं तो हम इस बातचीत को यहीं कंक्लूड भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मैसेज जो देना था वो दे दिया है। तो हम थोड़ी देर और इंतजार करेंगे, अगर नितिन भाई आ जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो वी विल कंक्लूड दिस डिस्कशन हियर।
नितिन भाई से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ी देर और देख लेते हैं, अगर आ जाते हैं नितिन भाई तो ठीक है, तो हम इस बातचीत को कंक्लूड करेंगे। कहने का पॉइंट यह था कि इनिशियल ईयर्स में डिग्री मैटर नहीं करती है, मैटर सिर्फ एक चीज करती है कि आपके अंदर सीखने की कितनी ललक है, और इनिशियल ईयर्स में आपको इस चीज पे फोकस करना है। ये मत देखिए कि आपको कहां कितनी सैलरी मिल रही है। नितिन भाई आ चुके हैं, उनको ज्वाइन करा लेते हैं। जी जी नितिन भाई, सॉरी थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। तो एक्चुअली देखिए, मैं अभी जो है ना, यहाँ पर गूगल पे मैंने सर्च किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी इन इंडिया। यहाँ पर जो औसत तनख्वाह है भारत में 3 से 5 साल अनुभव के बाद में, वो साल का पैकेज 8 लाख रुपया है आज की तारीख का। और ये जो इनका डेटा है वो सिंगल एक दो लोगों से नहीं है, ये जो वेबसाइट है एम्बिशन बॉक्स, इन्होंने लगभग 5 लाख लोगों से जो है ना डेटा की रिपोर्ट लिया है सैलरी की, और तब इनका डेटा है। तो अगर आप फील्ड में लगे रहते हो, सबसे मेन चीज है लगे रहना, अगर आप लगे रहते हो, आप 4-5 साल काम कर लेते हो, जैसे आपने अभी ये जो एग्जांपल दिया है आतंकवादी का जिसने संसद में हमला किया, मैं ऐसे लोगों को निहायत निकम्मा मानता हूं, ऐसे लोग निकम्मे होते हैं और एजेंडा ग्रस्त होते हैं। अगर आप लगे रहते हैं, नो डाउट 1 साल 2 साल आपको समस्या हो सकती है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, अगर आप लगे रहे तो 5 साल के अंदर आपकी तनख्वाह 50,000 अगर नहीं हो तो मैं, आप मुझसे जो बोले मैं वो हार सकता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो है 5 साल अगर इस इंडस्ट्री में लोग नहीं मिल रहे हैं आज की तारीख में। आपको मैं बताऊं कि इतनी क्राइसिस चल रही है इस इंडस्ट्री में, अभी ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की, तो आप बात मतलब ये समझिए कि इसमें जो है ना, इसमें तो यह है कि जो तनख्वाह पे मिल जाए उस तनख्वाह में लिया जा रहा है। पाइथन प्रोग्रामर्स, एआई में, डेटा एनालिटिक्स में अगर आपका अनुभव है तो इसमें तो तनख्वाहें बिल्कुल आकाश को छू रही हैं। लेकिन आप सामान्य तरीके से अगर आप जो है ना ऐसी जगह से, जैसे आपने जो बीटेक्स वाले कॉलेज बताए, अगर आपने वहां से भी बीटेक्स भी किया है, 4 साल जो है किसी तरीके से नकल करके भी पास किया है, आपके पास में डिग्री हो, आप आरंभिक 3-4 साल मेहनत कर लो, आपको तनख्वाह ना मिल रही हो मुफ्त में करो, मुफ्त में अगर ना कर पाओ तो पैसे देके कर लो। कई ऐसी कंपनियां हैं जाके जो पैसे देके अनुभव देती हैं, आप अगर वो कर लेते हो, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं आपकी तनख्वाह 5 साल में 50,000 रुपए होनी ही होनी है, कोई नहीं काट सकता, ये शाश्वत सत्य है। अच्छा नितिन भाई, एक अंतिम सवाल, यहां पंजाब में लोग अपनी जमीन जायदाद बेच के कनाडा, अमेरिका, यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप इतने साल अमेरिका में रह के वहां इतना सक्सेसफुल करियर बिल्ड करके, इतनी अच्छी एक प्रॉमिसिंग जॉब, एक प्रॉमिसिंग करियर और यूएसए का अनुभव छोड़ के वापस भारत क्यों चले आए? अगेन दादा, मुझे जो है ना, मुझे फिजाओं को जो है ना, फिजाओं की खुशबू सूंघने में बहुत महारत हासिल है। तो जैसे मैंने जब IIT कानपुर छोड़ के जब मैं प्राइवेट नौकरी में गया था तो सब लोग मुझसे नाराज थे, मेरे जो मतलब बाबा जी वो भी मुझसे काफी नाराज थे, क्योंकि वो कुछ सरकारी नौकरी में रहे हैं और मेरे घर की थोड़ी हालत उस समय में ऐसी थी, पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, तो इवन वो तक नाराज थे कि मैंने सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट में क्यों गया, क्योंकि मुझे उस समय मालूम था कि भारत जो है ना, भारत की जो पोजिशन चल रही है, तो इंडिया विल ग्रो लाइक एनीथिंग। तो वैसे ही मुझे अच्छे से मालूम, अमेरिका इज अ वेरी गुड प्लेस, मैं अमेरिका का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, अमेरिका में बीटेक की डिग्री नहीं मिलती है, वहाँ वाकई में बीटेक की डिग्री मिलती है, वहाँ पढ़ाते अच्छा है, वहाँ पे आपको ग्रो करना सिखाते हैं, वहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर बनना सिखाते हैं, ये सब चीजें वहाँ बहुत अच्छे से सिखा देते हैं। लेकिन जो भारत का माहौल है वर्तमान में, ये वाला जो समय चल रहा है, ये भारत का समय चल रहा है। 2003 में जब मैं आया था उस समय अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे, बीच में मनमोहन सिंह के UPA 2 में भारत थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन फिर से जब से मोदी जी आए हैं तब से भारत फिर से ग्रोथ पथ पे है। मैं किसी भी समय रद्दा अगर चाहूं तो मैं अमेरिका में जा सकता हूं बहुत आराम से, मेरा सेटअप है, मैं जिस दिन चाहूं मैं वहां पहुंच सकता हूं। पर जो भारत है ना, ये इंडियन स्टोरी है, जस्ट स्टार्टेड, अभी आने वाले 30 साल जो है वो ना अमेरिका के हैं ना यूरोप के हैं, ये आने वाले 30 साल जो है वो इंडिया के हैं, इंडियन स्टोरी है, जस्ट स्टार्टेड। ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कि आप इंडिया में जो है ना अच्छे से मेहनत से अगर आप काम कर जाओगे तो आप यहाँ पे इतना अचीव करेंगे कि यू नो वो देश स्टेबल हो गए हैं, उनकी जो है ना वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बस ऐसे ही रहनी है। भारत जो है ना, भारत ऐसे करों पे जा रहा है, तो देन इंडिया इज द प्लेस टू बी राइट नाउ। इवन 20 ईयर बैक जब मैं आया था तब भी इंडिया वाज द प्लेस,
बीच के 5-6 साल खराब गए भारत के, लेकिन आपको देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। भारत बहुत स्टेबल मोड में है, भारत में ग्रोथ कर्व बिल्कुल ऐसा एक्सपोनेंशियल होना है, तो इंडिया इज द प्लेस टू बी राइट नाउ। तो दोस्तों ये थे नितिन त्रिपाठी जी। नितिन त्रिपाठी जी से आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आपकी स्टोरी, आपका जो थॉट प्रोसेस है मेरे लिए खुद इतना इंस्पायरिंग है। मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं नितिन भाई का बहुत बड़ा खुद फैन हूं, ये मेरे फैन है, मैं इनका तो पर नितिन भाई का जो थॉट प्रोसेस है ना, और युवाओं के लिए जो इनकी जो सलाह होती है वो इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार होती है। और आपको बता दूं, मैं ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है और बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने बहुत सारे युवाओं को सही दिशा में सोचना सिखाया है। तो नितिन भाई आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आपसे इसी तरह इस चैनल पे बातचीत होती रहेगी। आज आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे युवाओं का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ नितिन भाई से फिर से बातचीत होगी। नितिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं। धन्यवाद अद्दा, एंड धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।